भाजपा की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो आंदोलन है पूरी तरह से प्रायोजित है, क्योंकि कई किसान संगठन इसमें नहीं है और नए लोग सामने आए हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा अपडेट आपको बता दूं, अभी रिसेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी संगठन है सारे के सारे किसान संगठन अब 26 फरवरी को काफी बड़ी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को उन्होंने किसान महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में लगाने का आह्वान कर दिया है, घोषणा कर दी। उन्होंने साफ तौर पर मांग भी की है कि जिस किसान जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम है शुभकरण सिंह जी, तो उनके लिए 1 करोड़, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की उन्होंने सरकार से मांग भी की है। अब सवाल मेरा आपसे ये कि एक तो अभी तक जो चल रहा था कि किसका किसान संगठन इससे दूर हैं, ये नए लोगों का आंदोलन है और पुराने लोग इसलिए दूर हैं क्योंकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे नहीं हो पा रहे, और तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा का जो आरोप है इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, प्लस जिस हिसाब से भटनागर जी ने बताया भी इस आंदोलन से किसान जितना सफर कर रहे हैं उनकी सब बात करते हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन सफर कर रहा है उसी कोई चर्चा नहीं करता, और वो बताने का प्रयास करें कि किसान अब की बार हेविली उनके पास आर्मर्स है, काफी ज्यादा मशीन है, उसके जरिए प्रशासन को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। नीलम जी, देखिए पहली बात आकाश, जो भाजपा के जितने प्रवक्ता आते हैं वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, कभी जवाब नहीं देते। तो आज जिन विषयों के आसपास हमारी डिबेट घूम रही है, मैं खुद एक महिला हूँ, एक जाट भी हूँ और किसान परिवार से भी बिलोंग करती हूँ, तो ये तीनों इश्यूज मेरे साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जब मणिपुर की बात होती है वहां पे भी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बंगाल में हुआ वो भी महिला के, उत्तर प्रदेश में कितने आपकी खबरें सुनने को मिलती है, राजस्थान में सुनने, हमारे पॉलिटिशियंस और प्रवक्ता इतने बेशर्म होते हैं कि वो अपने राज्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बात नहीं करते और दूसरों के राज्यों के में होने वाली घटनाओं को ऐसे बताते हैं कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, लेकिन कभी भी अपने ऊपर वो उस शर्मिंदगी को महसूस नहीं करते कि हाँ हमारे राज्य में भी हुआ, जिसकी सरकार है वो उसकी कभी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ये बेशर्मी दोनों पक्षों में है, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेती है, और भाजपा में तो हमारे प्रधानमंत्री नाम तक नहीं लेते हैं मणिपुर का, वो अब कितने जोर शोर से बंगाल की खबर को वो सामने लेके आते हैं, उसके बावजूद भी वो ना कभी हमारे महिला पहलवानों की बात करते जिसमें ब्रजभूषण आज भी बैठा हुआ है, तो और उसमें हमारे पास हरियाणा जो होम मिनिस्ट्री में जो स्टेट मिनिस्टर है अजय मिश्रा टैनी, उन्होंने किसानों के बच्चों को बिल्कुल अपनी जीपों से रोंदा था, उसके वीडियो सबके पास है, उसके सामने किसी की मुंह की आवाज नहीं निकलती, और बात करते किसानों की और कहते हैं कि किसानों को शांतिपूर्वक आंदोलन करने, शांतिपूर्वक ही तो है, उन्होंने तो पहले ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि हम 13 फरवरी को निकालेंगे, 8 फरवरी को सड़कें किसने खोदी, किसने सीमेंट और कंक्रीट की दीवारें खड़ी की हैं, सड़कें जो सड़कें बनती है वो हमारे टैक्स के पैसों से बनती है, सरकार को वो सरकार उनको खोद रही है, पुलिस प्रशासन उनको खोद रहा है, वो किसानों ने खड़ी की हैं, रास्ता किसने रोका है, रास्ता पुलिस ने रोका है, जो हमारे किसान है उनके पास कौन से हथियार है, ट्रैक्टर है, उसके अलावा उनके पास क्या है, जो सिख है वो तो जो कटार या कृपाण वो तो उनका एक धार्मिक धर्म का एक हिस्सा है, उनके ड्रेस कोड का एक हिस्सा है, तो कौन से हथियार लेके आए हुए हैं, हमारे ही देश के हिस्से हैं, किसान हमारे हमारे पेट भरते हैं ना, उनकी अपनी अंतड़ियां, उनके देखो कैसे पेट सूखे पड़े हैं और वो हमारे लिए खाना उपजाते हैं, अगर आप किसान का सम्मान नहीं कर सकते तो उनका मजाक भी ना उड़ाएं। पहली बात तो ये कि किसान का जो आंदोलन है पीछे भी जो करीबन 2.5 साल रहा वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक था, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला था, पहली बात तो ये। राशन क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वो किसी से मांगेंगे थोड़ी, वो अपना खाना उपजाए, वो अपने ट्रकों में भर के लेके जाते हैं, पता है आपको इतने दिन वहां पे रुकना है, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तो वो धरना प्रदर्शन का एक हिस्सा होता है, तो वो अपना राशन अपने साथ लेके जा रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है उसमें। तीसरी बात देखिए तो जो अब है किसी भी आंदोलन को क्या इस तरह से रोका जाता है, जो ड्रोन हमारे हैदराबाद में जो अडानी और एक इजराइल की कंपनी है ड्रैट, उनके मेल से जो ड्रोन बने थे वो बने थे कि हमारे म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पे जो सर्वेक्षण के लिए सर्वेस के लिए, अब उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल जो है हमारे ही किसानों के ऊपर जो खेत उपजाते हैं उनके ऊपर आंसू गैस के, और एक एक गोले नहीं एक ही शावर में 16, 17, 18 इतने एक ही बार में जो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर बरसाए जाते हैं, और जब इतनी ज्यादा गैस आती है तो नेचुरली दम घुटने से पहले दिन भी एक किसान की और एक पुलिस कर्मी की मृत्यु हो गई थी, अभी एक और इसके एक और युवा किसान की मृत्यु हुई है, तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है। तीसरी बात एक और देखिए कि जो हमारे किसान है उनकी मांगे क्या है, MSP की है, ये तो आपने खुद भी वादा किया था स्वामीनाथन की, जब 2014 में जब इलेक्शन इनका घोषणा पत्र खोल के देख लीजिए कि स्वामीनाथन की हम सारी मांगे मान लेंगे, तो अभी भी तो जो उनकी मांग है
वो सीटू फॉर्मूला प्लस 50% का, आपको पता होना चाहिए वो क्या है। तो वो आपने आप मांगी, अभी तक नहीं मानी है और अभी भी उसका कोई प्रॉमिस नहीं है। तो जो चीजें हैं, जो किसान हमारे ही देश के नागरिक है और जो किसान कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, उन्हें मालूम है कि सामने जो पुलिस खड़ी है वो भी उन्हीं के बच्चे हैं, जो खेत में जो सीमा पे खड़े वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। अमीरों के लोग ना सीमा पे जाते हैं ना पुलिस में आते हैं। तो किसान हर चीज को समझता है, वो अपना पेट भरता है, दूसरे का भरता है। अगर आप किसानों की समस्याओं को नहीं जानते हैं तो यही एक वजह है कि आप देखिए उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो जाट और किसान हमारी ऐसी एक कौम है जो कि खेत में क्या उगाना है, कैसे उगाना है, ये उसको पता है। अपने बच्चों को सीमा पे भेजना है ये उसको पता है। पुलिस में अपने बच्चों को भेजना उसको ये पता है। तो जब वो अपनी चीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हमारे देश के लोगों का पेट भरने वाला, अब कोविड के टाइम में आप देखिए जब सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट ठप पड़ी थी, उस वक्त भी पॉजिटिव ग्रोथ किसने दिखाई थी? हमारी एग्रीकल्चर ने दिखाई थी। 75% से ज्यादा लोग जो हमारे एग्रीकल्चर जो व्यवसाय है उससे जुड़े हुए हैं, उनका पेट उससे भरता है और उसी से वो दूसरा का भरता है। उनके लिए आपके पास क्या रोजगार योजनाएं हैं? ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन आपको दर्द होता है कि वो आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो ट्रैक्टर तो वो लेके आएंगे ही ना, ट्रैक्टर तो उनका अपना एक हिस्सा है। किसानों को शांतिपूर्वक आने देना चाहिए था। जो अपने लिए मुश्किलें खड़ी हैं वो सरकार ने खुद की हैं। वो जो सड़कें खोदी हैं वो सरकार ने खोदी हैं। अगर वो नहीं खोदी होती तो वो अब तक दिल्ली आ जाते, तो सब कुछ शांतिपूर्वक जाता। तो या तो ये सरकार है कि वही कन्फ्रंटेशन चाहती है, वो शांतिपूर्वक सोल्यूशन नहीं चाहती। फिफ्थ पांचवें दौर की जो बात हुई है, अगर किसानों के साथ बात नहीं बनी तो आपको उसके साथ एक रेजोल्यूशन लेके आना चाहिए ना कि चलो ये नहीं है तो ये करते हैं। तो ये जो तरीका होता है कि आप हर चीज को पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो चीज जो है वो कभी कभी आपको नुकसान भी कर जाती है। इलेक्शन सर पे है तो इस तरीके का जो व्यवहार है जो सत्यपाल मलिक के साथ है और जो जाट किसानों के साथ हो रहा है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। और जहां तक सत्यपाल मलिक का है, वो भाजपा के ही एक बड़े शीर्ष नेता रहे हैं, तभी उन्हें बार बार जो है गवर्नर अलग अलग स्टेट से भेजा गया है, इतना भरोसा उनके ऊपर। शुक्ला जी, मैं आदरणीय मैडम से सवाल कर सकता हूं? आदरणीय मैडम से कुछ सवाल कर सकता हूँ? नहीं, मैडम से एक सवाल करना छोटा सा। नहीं, पहले तो आपको क्या आदरणीय मैडम जी को जाट ही किसान दिखाई दे रहे हैं? हाँ नहीं, मैं वही मैडम जी, मैं तो छोटा सवाल ही पूछा था आपसे, क्या जाट ही किसान होते हैं और कोई जाति बिरादरी किसान नहीं होती है? आप जो बार बार जाट किसान कह रहे हैं, तो इस भारतवर्ष में केवल जाट ही फसल उगाते हैं और कोई नहीं? आज का हमारा जो विषय है वो जाटों से रिलेटेड और किसानों से रिलेटेड है। सर, जाट किसान नहीं, अलग अलग दोनों टॉपिक, कोई जाटों से विषय नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, किसानों से नहीं सर, जाटों का क्या विषय होता है? देश में आप भाई केरोसिन, राहुल गांधी ने केरोसिन फैला रखा है देश में, आप माचिस दिखा दीजिए जाके मैडम जी। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने केरोसिन फैला रखा पूरे देश में, मणिपुर से तेल बहता हुआ, उसमें आप आग लगा दीजिए। जाट जाट आप बैठे आप बहुत देर से कर रहे हैं, राहुल गांधी आपको देश में और कोई किसान नहीं दिखाई दे रहा? राहुल सर, मैं समझता हूँ की आपको चीज समझनी चाहिए। मैं तो समझ, राहुल गांधी आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या ये है कि जो आज का हमारा विषय है वो किसानों और जाटों की राजनीति और उनके इस आंदोलन पर आधारित है। आप विषय से भटक रहे हैं, या तो आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके नहीं, आप विषय से भटक रहे हैं मैडम। नहीं, आप जाट किसान कर रहे हैं? नहीं, आप जाट और जाट किसान, जाट किसान, आपको पता है कि पिछले जो आंदोलन में जाट की तरफ दिल्ली के अंदर लाल किले में चढ़ने के बाद जो देश की सुरक्षा रक्षा में सबसे आगे रहते हैं, कहते नहीं आप जाटों को बदनाम कर रहे हैं बैठ के आप यहाँ पे? सर, आप बातों को, जाटों का नाम हुआ था लाल किले के ऊपर जब चढ़ के झंडा लगाया था? समझ में नहीं आ रहा इनको। जी सर, आप सवाल सुन लीजिए। वैसे मैं ना ना नहीं, मेरी बहुत समझ में आ रहा है कि वो जाटों ने, मेरी बहुत समझ में आ रहा है, मुझे पता है आप कांग्रेस चर्चा करने का प्रयास करें, मेरा सवाल सुन लीजिए। चर्चा करेंगे जाट जाट करके, आप क्यों चर्चा करेंगे? आप शुक्ला जी, आप क्यों चर्चा करेंगे जाट जाट करके? आप भारतवासियों पर चर्चा कीजिए ना आप। हाँ तो सर, जाट जाट करके आप देश में आग लगा रहे हैं। सर ये बताइए, किसानों की अगर एमएसपी गारंटी भारत में बहुत सारे है तो इसमें पूरे देश के किसानों का फायदा होगा, इसमें सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? चलिए इस पे बताइए, मैं जाट किसान की बात ही नहीं करता। चलिए ठीक है, आपकी बात, आपकी बात क्यों नहीं बन रहा? आपकी बात बड़ी कर देता हूँ मैं, आपकी बात बड़ी कर देता हूँ जी, बिल्कुल एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं ये बात बड़ी कर देता हूँ। 2013 में जो 1300 रुपए किलो गेहूं था क्विंटल, आज जो 2500 रुपए 2300 रुपए है। आप आ जाइए क्या, जो अगर मैं अगर देश के 20 करोड़ या 30 करोड़ किसान निकाल के जो 110 करोड़ लोग जो जनता बच रही है उसके बारे में तो सोचिए, उसे कैसे आप सस्ते में राशन खिलाएंगे, उसके कैसे डिब्बे भरेंगे आप? जो किसान को बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, ट्रैक्टर फ्री,
हैं जी, दवाई फ्री, एजुकेशन फ्री, फौज फ्री, रोड फ्री, टोल टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री, और जो टैक्स दे रहा है, जो मैडम जिनके रोडों पे चल रही है टैक्स देने वालों के, उनके लिए डंडे गालियां हैं। अरे भाई, जो टैक्स दे के रोडों पे चलते हैं, रोड बनती है, जो बिजली आती है, उनको भी तो कुछ कहिए ना, उनके लिए कोई वो नहीं है। जो टैक्स सब कुछ फ्री, उनके लिए इतनी संवेदना, क्योंकि राजनीति करनी है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, जो बंधन चक्ता कभी भी जिसमें गुण ही नहीं है। तो समस्या यहाँ है कि आप जनता को क्या समझाना चाहते हैं। बोला जी, किसान हमारे भाई हैं और हम उनके चरण छू के नतमस्तक हैं, उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं भी और हो भी गई हैं। अगर देख दो पॉइंट रह गए हैं तो उसमें भी बैठ के बातचीत हुई है, तो उसको लेके इतना बड़ा भारी भरकम पीटना पुलिस को, या इतना बड़ा जो लव लश्कर लेके चलना, हथियार लेके चलना ठीक नहीं है ना। हम तो हाथ जोड़ के भी बैठे हैं, किसान वही सर, हमारा भी देश का ही है, हम तो हाथ जोड़ सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। बोल्डर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, आराम से उनको दिल्ली जाने देना चाहिए, रामलीला मैदान में बैठे रहेंगे। ये पहले ऐसे नहीं, जैसे बोलिए कि ऐसे पथराव नहीं करना चाहिए और पथराव पे पुलिस को गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए। आप पुलिस को इल्जाम मत दीजिए, बैठ के सबसे पहले पुलिस को कुछ करना चाहिए, किसानों को करना चाहिए, किसानों को सीधे जाने देना चाहिए। चलिए इस पे आ जाते हैं।